हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो करते हैं न्यू ब्लॉग की शुरुआत। और आज मैं 3-4 दिन में जाके आज ठीक हुई हूँ। बहुत बीमार हो गई थी, तो आज आने वाला है हमारा बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्पेशल ब्लॉग। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना। आज का एक सरप्राइज था, वो हम यहीं खत्म कर रहे हैं सरप्राइज को। तो आज मेरी बुआ का लड़का आ रहा है, अभी एक आ रहा है, दूसरा ट्रेन में चल रहा है। तो 20 तारीख तक वो भी आ जाएगा, ठीक है। वो दूर से आ रहा है, मेरे बुआ के लड़के छोटे ही है, 10वीं 8वीं 9वीं में पढ़ते हैं। तो बोल रहे कि भाई तेरे पास घूमने आएंगे। मैं कहा चलो आ जाओ, कमिंग। तो वो आ रहे, अभी वो पहुंच गया है बस से। अब बस से उतर के कॉल किया है उसने कि भाई मैं आ गया हूँ, तो अभी उसको मैं लेने जा रहा हूँ और लेके आके फिर आपसे मिलाता हूँ। तो आप लोग बने रहना। हम 2-3 दिन इसलिए ब्लॉग नहीं डाले क्योंकि दोनों की तबीयत खराब थी, अभी दोनों एकदम परफेक्ट और बढ़िया हो गए हैं। तो अभी ब्लॉग आएंगे मजेदार, तो आप बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यार और सपोर्ट आपका ऐसा ही बनाए रखो, ठीक है गाइस। तो आ गया देवेंद्र हमारे यहाँ पे, और अंकिता का गेट बंद है, पता नहीं क्या कर रही है, खोल के। ओ अंकिता, मेहमान आ गया तेरे, देख। अरे देवेंद्र जी आ गया। अरे नहीं नहीं कर रहे, चलो भाभी, देवर की बातें चल रही है। रास्ते में हमने ब्लॉग भी नहीं बनाया था क्योंकि ट्रैफिक था बहुत सारा, फिर इसको जैसे गाड़ी में बिठाया और बस में आया था। वेलकम है आपका, कैसा फील हो रहा है आपको मैं हमारे पास आके? एकदम बहुत बढ़िया, मतलब जिंदगी की पूरी बढ़िया, मतलब सबसे पहली खुशी एकदम बढ़िया मेरे से मिलके। हाँ कैसा लग, मतलब भाई से मिल रहे हैं? भाई से मिल रहे हैं, 3 साल से नहीं मिल रहे हैं। देखो भाभी कैसा लग रहा है मेरे को 3 साल बाद में। हाँ कितने साल हो गए? 3 साल हो गए ना पूरे? 3 साल हो गए होंगे, 3 साल, हाँ लगभग 3 साल हो गए। और मेरे से? आपसे तो मैं छोटा था, मतलब छोटा देखा ही पहली बार नहीं, पहली बार नहीं देखा तो है ना, आप बात तो करते हो मेरे से, आप वीडियो कॉल में करता ना, सामने नहीं करता ना। हाँ तो गाइज ये मेरी बुआ का लड़का है, जब मैं आया था 3 साल पहले तो ये बच्चा था, इसकी हाइट हो गई, अभी भी 9th क्लास में पढ़ता है, 9th पास हो गया है ये। हाँ ये 9th क्लास में पढ़ता है पर कोई नहीं बता सकता, देखो मेरे से भी लंबा हो गया ये। और मैं जब इसको छोड़ के आया था ना, मेरे भाई को और इसको और मेरे बुआ के लड़के को, तीनों सेम है। मेरा रियल भाई भी इसके बराबर ही है, लेकिन सब बड़े हो गए होंगे। मेरे भाई को भी देखे वो टाइम हो गया, और बुआ के लड़का भी दूसरा आ रहा है हमारा, तो वो भी आ जाएगा, और ये तो आ गया है, तो अच्छी बात है। हमें भी, मैं तो मिल लिया इससे तो बहुत खुश हूँ। अंकिता भी खुश है, मैं तो बहुत खुश हूँ। देखा तेरा मस्त लग रहा है, धोनी जी देवर जी, देवर भाभी मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है। पर देवर रूपाला जी यार, मैं खानदानी रूपाला जी, मैं रूपाला जी कौन है देवर जी, ये तो लगे कौन थे नाम है कौन सा का नाम नहीं लगा। गाइस मैं तो 3 दिन में आना है हूं, तो गाइस बने रहो ब्लॉग में, आज बहुत मजा आएगा, कल एक और बुआ का लड़का आ जाएगा तो और मजा आएगा। इसको थोड़ा नाश्ता वास्ता करवा देते हैं, भूख लग रही होगी। मैं तो उठने का नाम ही नहीं ले रही हूँ क्योंकि मेरे को बातें कर ली बहुत सारी, पर ऐसे भी सोच रही हूँ कि रात से भूख आया है तो कुछ तो खिला दे। हाँ तो कुछ खिला दे, उसके बाद में बातें बातें करेंगे, खा पी लेते हैं जैसे तैसे, मोटी रोटी रोटी बना के खिला देंगे इनको, खा लो ठीक है, बढ़िया है। तो गाइज अंकिता ने देवेंद्र भाई के लिए और मेरे लिए 3 केले और खरबूजा काट दिया है, और इधर खरबूजा थोड़ा बाकी है, तो बहुत बड़ा खरबूजा लाया था। हाँ तो इनको नाश्ता करवा देते हैं, भूख लग रही थी, इसके बाद में खाना खिला देंगे। और अभी हाल चाल भी नहीं पूछा कि घर पे सब कैसे हैं, लेकिन आपके सामने ही पूछेंगे, बातें करेंगे। हाँ सारे हाल चाल पूछूंगा, पूरी 3 साल की जानकारी दूंगा कि भाई क्या चल रहा है माहौल, क्या चल रहा है देवेंद्र? अभी तो लाइटें जाने का सीजन चल रहा है, बोलो। राजस्थान राजस्थान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइटिंग, लाइट की। तो गाइज बने रहो और खरबूजा खाओ आप भी, आप आओ तो आपका भी अतिथि देवो भव है, ये तो मेरा छोटा भाई है। आपको सब मतलब घणो 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 स्वागत, अगर ते आओ तो माँ के घर। हाँ ते आओ तो ताको स्वागत छे, ते ना आओ तो भी ताको स्वागत छे, क्योंकि ते मान प्यार और सपोर्ट घणो सारे देवे, अतिथि देवो भव। हाँ अतिथि देवो भव, मेरे राजस्थान में बोले छे मन, घणो घणो स्वागत छे ताको, खम्मा घणी साथ आगी, तो वेलकम, खाओ खरबूजा। तो गाइज अंकिता पैरों में मालिश कर रही है मेरे में, क्योंकि गाइज मेरे यार अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत भी तो बताना, इस पैरों में इतनी भयंकर जलन चलती है कि पूछो मत। मतलब मैं फ्रिज के मतलब कूलर के आगे भी पैरों को रख के सोता हूँ ना, तो अंदर से जलन सा महसूस होती है और गर्म रहता है। और आप सोच रहे होगे कि भाई ये टेबलेट ले लेना या फिर डॉक्टर को दिखा लेना, तो मैंने विटामिन कैल्शियम
जितनी भी दवाई आती है वो सब ले ली मैंने, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं मिला है, मेरे पैर जलते ही जलते हैं तो। और दिन में बहुत कम जलते हैं, नाइट में ज़्यादा जलते हैं, तो इनकी तभी मालिश करिए गाइस। और अगर दवाई हो आपके संबंध में या आपको कोई पता हो तो आप ज़रूर बताना है प्लीज। तो गाइस खाना बना लिया है मैंने, खाने में गुंदे का अचार और रोटी है, छाछ है, सब्जी नहीं बनाई थी, इन्होंने बोला कि शाम को सब्जी बनाना आज, अभी तो अचार से खाएंगे। उनकी मतलब बुआ जी ने बना के भेजा था ये एक डिब्बा, और बहुत ही मस्त लग रहा है अचार, केरी का अचार होता है ना वैसा लग रहा है, खट्टा 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 मीठा। अपने परिवार के आपके मतलब कोई भी अचार आए या कुछ भी घर से आता ना, कुछ भी हो एकदम एक नंबर मस्ती लगता है, मजा आ रहा है। मैंने तो सब्जी भी बनाने के लिए मना कर दिया अंकित, मगर सब्जी बनाना मत, आज अच्छा से खाएंगे। तो गाइस जब अच्छा से खाना खा रहे हैं, अंदर भी उठ चुका है, तो अंकिता बना रही है दाल, और अब मेहमान आते हैं ना तो दाल बाटी बनाते हैं तो अच्छा लगता है नहीं अंकिता? राजस्थानी दाल बाटी। हाँ सब बोलते हैं यार तुम तो दाल बाटी बनाते हो, पनीर देखो भी बनाते नहीं हो, पर हम हमारी शान को लेके चलते हैं बाहर भी, साउथ में भी, तो अच्छा लगता है। और सब सामान फैले हुए क्योंकि देवेंद्र भी लेके आया था थोड़े बहुत साग भाजी। हाँ मन लाग रहे थे ना, लाग रहे से लाग रहे थे, काई दिक्कत होना? तो देवेंद्र खूब आता है तो सो लियो, और अब उठ गया है तो मतलब अच्छा लग रहा है। आज मेरा भाई आया है छोटा, तो देवेंद्र हाल चाल तो सुना है नहीं, तो आते तो सो गया, गाई जाते तो सो गया था, अभी उठाए तो अभी से हाल चाल तो पूछ लूँ कि बुआ जी कैसे क्या है। मामा के कब गया था? मामा के तो 6-7 महीने। अच्छा, और बुआ जी पुआ जी सब बढ़िया? सब बढ़िया। पीयूष भी बढ़िया। याद आ रही हो? हाँ याद तो आ रही है, पर याद तो मतलब इतनी नहीं आ रही है यार। फिर तो गाँव के सुना चल रहे थोड़े मेरे बारे में थोड़ा कुछ गाँव के याद करते हैं सब मुझे? हाँ करते तो है, याद सभी करते हैं। हाँ। क्या बोलते हैं यार वो बहुत अच्छा बंदा है, किधर गया किधर मिलता ही नहीं इधर हंस की रहा है क्या पता हंसी के मेरे ग्राम में क्या। और सब बढ़िया ना, घर पर कोई दिक्कत नहीं है? हाँ सब बढ़िया। और मम्मा मामा के गया था, मामा मामा सब बढ़िया? सब बढ़िया। मामा मामा सब मामा याद करते हैं मेरे को? हाँ मामा बहुत याद करते हैं आपको। मामी 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 भी मामी नहीं करेंगे क्या यार? करती हाँ गाय जिसके मामा मामी मतलब मेरे माता पिता है, और सब मिस करते हैं, हम भी मिस करते हैं सबको अपनी, उनकी याद आती है ना मुझे। हाँ मैंने आते उनकी बातें पूछी थी इससे, लेकिन ये सुन नहीं आ रही तो बता ही नहीं पाया, अभी ये उठाया तो हमारे माता पिता को सबको मिस ही हो इसके, मतलब सब अच्छा है। और कल है ना, कल या परसों के दिन मतलब मेरी दूसरी बुआ जी का लड़का भी आ जाएगा, तो अभी तो पूरा फैमिली चलेगा, 10-15 दिन रह के जाएंगे तो मज़ा आएगा। तो अभी इनके लिए रोटा खाना बना देते हैं और बने रहो आप। तो गाय अंकिता कर रही है भगवान जी की पूजा, और मेरे देवेंद्र तो बाजार में चले गए थे, अभी जस्ट आए हैं, और अंकिता ने दाल की सब्जी तो रेडी कर दी है। जय हो तिरुपति बालाजी। दाल बाटी बन चुकी है, देखो दाल चेक करो कैसी है, तेल आ रहा है बिल्कुल, तेल डाल दिया अंकिता ने खूब, और अंकिता सेवा कर रही है मेरी और मेहमान की। मेहमान तो क्या भाई है हमारा छोटा। तो देवेंद्र क्या बोलता ही नहीं है तू तो यार? क्या तेरे भाभी को मिस मिस करता था तू काम में? हाँ करता था बहुत, आपको भी करता था, भाभी को भी करता था, दोनों को करता हूँ। सही बता सही में तो फिर अब कब लेके जा रहा है हमको घर पे? कभी भी चलो आप तो। कभी भी आप भी चलो कभी। पक्की बात है? पक्की बात है। ये तो नहीं जाएंगे रे देवेंद्र जी के, है ना इनके तो काम बहुत रहता है, मेरे को कहीं पे लेके भी जा रही, मैं तो चलूंगी पर आपके साथ। हाँ अंकिता जा रही है? मैं तो जा रही हूँ भाई, मैं तो वहीं पे ब्लॉग बनाऊंगी। लोकेशन भी शानदार है, नहीं पूरा फार्म हाउस, कितने सारे पेड़ पौधे, चीकू सब है, अनार। ठीक है हाँ, तो यहीं पे रहना, दाल बाटी बना बना के खा लेना, रोटी तो बन नहीं पाएगी आपसे और कपड़े धुल नहीं पाएंगे, और नाने का तो कुछ काम है ही नहीं, तो वैसे भी फ्री हो आप। गाय जी बदनाम कर रखी है, 4 दिन से नाता नहीं है, नाता हूँ यार रोज। आज नहीं आया था, देख ले देखा 8 दिन में, 4 दिन में नहीं आया था, फिर भी चमकता है चेहरा। हाँ कुछ तो बात है चेहरे में। तो आज अंकिता है ना मेरे देवेंद्र तो सो गया, और पता नहीं ये नींद में भी किशन आंसर का जवाब दे रही थी पढ़ाई की बोल रही थी नहीं ये बोल रही थी कि जयपुर का दूसरा नाम क्या है नींद में भी ये मेरी इतनी मजाक उड़ाई
रिकॉर्डिंग भी बना ली और फिर मेरे को दिखाई की थी यकीन नहीं कर। इसका मैंने रिकॉर्डिंग बना लिया लेकिन मैं ना डाला नहीं, मैं कहा चलो कोई बात नहीं। कहना गाइस पता नहीं पढ़ती हूँ ना तो दिमाग में पढ़ाए 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 24 घंटा ऐसा होता है, अगर किसी चीज को रट लेना तो फिर वही 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 दिमाग में। सही है। और कल तो है ना मेरी बुआ को बोल दिया मैंने कि चूरमा बाटी बना के भेजना, वो मेरा दो मेरा बुआ मतलब छोटी बुआ है ना उसका लड़का आ रहा है, तो कल तो घर क्या चूरमा बाटी खाएंगे, बहुत याद आ रही है। मेरे लिए नहीं बनाई थी, मेरे को तो ना बताओ किसके बना हुआ थी, केरी का अचार थी। केरी का अचार मेरे दोनों बुआ को बोल दिया, दोनों के केरी का अचार नहीं है, दोनों बुआ और पूरी यूट्यूब फैमिली को बोलती हूँ मेरे लिए केरी का अचार भेज देना ऑनलाइन। ये लो एड्रेस में दे दूंगी, आप कमेंट करना कि कहाँ पे भेजना है, मैं रियली आपको सही एड्रेस दे दूंगी। हाँ तो अंकिता एड्रेस दे रही है गाइस, तो फिर तो आप जल्दी कर दो, 100 रुपए का केरी आचार के लिए आपको एड्रेस मिल रहा है। 3 इयर्स हो गए खाए हुए। हाँ। और एक डिब्बा लाए थे, बदनाम मत कर यार, यहाँ का केरी का अचार मैंने तेरे को खिला दिया। वो डिब्बे वाला तो इतना मतलब उसमें अमल होता है कि खट्टा इतना कि खाया नहीं जाता। हाँ ये बात तो है, अच्छा ही नहीं लगता तो फिर क्या खाया। तो गाइस दाल बाटी बेरुजी की, बेरुजी की जैसे गोट होती है ना वैसे दाल बाटी को चूर दिया है। हाँ रसोई और आज अंकिता डेली मेरे साथ खाती थी और आज देवर जी के साथ खा रही है भाई, ऐसी ही है। हाँ भाई कोई बात नहीं, आजकल भाई साहब ऐसी ही दुनिया ऐसी है। हाँ तो अंकिता वाला आर्डर दिया होगा छियाज पी रहे थे छियाज के सर पीछ गए, एक बार नोटिस करो पीर तो बता तो गाइज आप सब दाल बाटी खाओ, आप बोलेंगे कि भाई अंकिता और मस्तराम और देवंदरी खा रहा है। नहीं मैं नहीं खा रही हूँ, मैं पहले इनको खिलाऊंगी। हाँ ये मेरे लिए बाटी इसलिए तोड़ रही है, तीन बनाइए। तो गाइज आज के खाने में दाल बाटी और छाछ, और आपको हमारा ब्लॉग आज छोटा ब्लॉग बनाया, अब कल से बड़ा बड़ा ब्लॉग बनाएंगे, तो आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो। मेरी तबीयत भी ठीक हो गई है ना इसलिए मेरी तबीयत, मैं 3 दिन तक तो ये बोले कि रील्स बना ले वीडियो बना ले कुछ किसी में मन नहीं, मैं बोलू आप ही बना लो आप ही कर लो, मैं नहीं बनाऊ क्योंकि बोला ही नहीं जाता था। बिल्कुल बिल्कुल बुरी आती थी। तो गाइज आज के ब्लॉग में बस यही, बातें बहुत लंबी हो जाएगी, बातें में नहीं मजा आता है, कल ब्लॉग बनाएंगे बहुत ही मस्त मजेदार, तो आप हमारे यूट्यूब पे जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ, 50,000 सब्सक्राइब करवा दो। आप इंस्टाग्राम पे बहुत सारा प्यार दिया, फोटो कैसे गाने चल रही हूँ अंकिता, परफ्यूम लगाओ चुन्नी में, उस गाने पे ट्रेंडिंग की ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा हाई अंकिता की रील्स गई है, 6 मिलियन पार कर गई है, तो आप सभी का बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद, आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखो। और अंकिता MR गुज्जर नाम से इंस्टाग्राम ID है तो फॉलो कर लेना, और आपके लिए अब नए नए मस्त मस्त वीडियो लेके आएंगे, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे 50,000 सब्सक्राइब करवा दो, हमारी यही मांग है प्लीज़, और आप सभी को प्यार और हमारा लव यू, और अंकिता की तरफ से बाय बाय, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।